क्योंकि उसे लगता है भाई इंडियन डबिंग अच्छा है, उसका एनकाउंटर करेगा। ये आदित्य दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। तो आज एक और कनाडा से पान लेवल मूवी का टीजर आया है, क्रिकेट टीजर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसमें लीड स्टार में आदित्य मेनी मूवी होने वाला है। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के देखते हैं। और कनाडा के आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे मूवी आ रहा है, तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छे मूवी हो सकता है। तो बिना किसी देरी के मैं ये देखते हैं और कैसा है क्या है डिटेल में बात करते हैं। तो टेरर मूवी का नाम है टेरर। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट। कर्नाटक पुनीत राज जी का हर एक कनाडा का मूवी के फर्स्ट में उनका पिक्चर अभी आ रहा है, वो बहुत ही अच्छा बात है। पूरा ब्लैक स्टोन इसमें भी रखा है ना, राइट। रूल्स रूल लग रहा है, वो ही लग रहा है। शमशान में आराम से सोया हुआ है। वाओ डायलॉग देखो, उसकी हिफाजत सत्य हरीश चंद्र कर रहा है। ओ सच्चाई, झूठ धर धर भटकता फिर रहा है क्योंकि उसे लगता है भाई इंडियन डबिंग अच्छा है, उसका एनकाउंटर करेगा। ये आदित्य डबिंग बहुत ही इंप्रेसिव है, बहुत ही कमाल के डायलॉग बोले ना। अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो तुम्हारे लिए मैं ही यमराज। मैं ही यमराज, ओके। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी। मुझे लगा कि बुलेट इसके माथे पे अच्छा लगेगा। ये डायलॉग थोड़ा उधर लगा। मेरे दुश्मनों का एक्सपायरी डेट मैं ही फिक्स करता हूँ। इसको वाह पूरा पसंद है भैया जी। अगला डेट तुम्हारा, तेरा एज। स्वैग तो अच्छा है। गन में तेरे नाम की बुलेट लोड कर दी है, बस तेरी मौत का पोस्टर अपलोड करना बाकी है। भगवान ने मुझे जिंदगी में पहले लात दिया, उसके बाद मेरे हाथ में घोड़ा थमा दिया। भगवान ने तुझे पहले ही घोड़ा दिया, अब मुझसे लात मत खा। तेरे बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। क्या क्या सही डायलॉग बोला है, भगवान ने पहले मुझे लात दिया उसके बाद में हाथ में घोड़ा दिया, पर तूने पहले ही घोड़ा दे दिया इसीलिए मुझसे लात मत खा। ठीक है, मतलब अच्छा नहीं कि तुझे मेरे बारे में सब कुछ पता है, वही तेरी बहुत बड़ी गलती। तू उतना क्रिकेटर टीजर के जितना मैंने तुम्हें जानने की इजाजत दी। ये रूल्स नहीं लग रहा है। हाँ वही लग रहा है। बैकग्राउंड में म्यूजिक अच्छा है नो डाउट, पर क्रिकेटर इंट्रोड्यूशन राजन श्रीराम गोडवा। टेरर आदित्य टेलर शूट बिगन है, अभी शूट बिगन हुआ है अभी से इसको, मतलब ओके अभी से ही कंफर्म कर दिया कि ये पान लेवल में आने वाला, अभी शूट बिगन हुआ है। देखो मैं क्या बोलूँगा कि मूवी अभी शूट बिगन है, तो मूवी जैसा भी हो तो ट्रेटर को एस्टेब्लिश किया है कि ये टेरर मूवी है ना, तो इसी में जो आदित्य का करेक्टर है वो एकदम थोड़ा गुंडा टाइप, थोड़ा भाई टाइप, थोड़ा एकदम स्टाइलिश, एकदम मतलब किसी से नहीं डरने वाला किसी के सेटअप किया है। ऐसा हम लोग क्या लगेगा जब भी आप लोग ट्रेलर टीजर देखोगे ना, अब इसके बाद में आने वाला तुम्हारे माइंड में रहेगा कि हाँ ये थोड़ा है इस टाइप का, तो अच्छा बात है। पर मुझे ये पूरा एकदम वीडियो देखकर इतना नहीं मतलब क्लिक हुआ कि हाँ ये बहुत ही मतलब बहुत ही ख़राब गुंडा है, बहुत ही मतलब होता ना बहुत ही ज़्यादा ही खराब, बहुत ही ज़्यादा ही डरावना गुंडा है। पर फिर भी डायलॉग के डबिंग किया है, जो स्टाइल दिखाया है, जो कलर टोन है, जो बैकग्राउंड में म्यूजिक है, वो इम्प्रेसिव है। फर्स्ट के लिए बहुत इम्प्रेसिव, पर रहता ना एकदम देख कर लगे कि हाँ क्या दिखा दिया, वैसा बात नहीं है। फिर भी चलिए दोस्तों अभी इसका टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, इसका सॉन्ग आएगा, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि कैसा है। पर ये कनाडा से है, ये कन्फर्म है, और कनाडा से आजकल पान लेवल में बहुत आ रहा है। जब से KGF कंता ये सब हिट हुआ है तो कनाडा से एकदम तहलका पान लेवल में मूवी आ रहा है। तो आप लोगों को देखें ये टीजर,
अगर कैसा लगा प्लीज बताइए, नहीं तो आप लोग देखना चाहते हो फिर से तो डिसीजन लेकर जाकर देखिए ट्रेलर कैरेक्टर डिजाइन बिना किसी तरीके। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार से मेरे लिए कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद।